हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज दिव्या। सो आज हम ये बहुत ही सिंपल सी लुक क्रिएट करेंगे जो कि बिगनर्स के लिए होगी और जो कि बहुत ही कम सामान के साथ आपकी ये लुक क्रिएट हो जाएगी और बहुत ही कम टाइम में ये लुक क्रिएट हो जाएगी। 4-5 ब्रशेस के साथ हम ये पूरी लुक क्रिएट कर देंगे और अच्छी बात यह है कि ये वेस्टर्न के साथ भी जाएगी और इंडियन के साथ भी जाएगी। तो अगर आपको ये मेरी लुक पसंद आए तो प्लीज कीप ऑन वॉच। सो सबसे पहले मैं ये फेस शॉप कैलेंड्यूला मॉइस्चराइजर यूज करूंगी और अपने फेस और नेक पर अच्छी तरह मसाज कर लूंगी ताकि मेरा फेस ग्लोई लगे और मेरा जो बेस है वो पैची ना हो। फिर मैं ये लॉरियल का ब्राउ आर्टिस्ट किट यूज़ करूँगी। फिर पहले जो इसमें वैक्स है उसे स्पूली की हेल्प से अपनी ब्राउज को अच्छे से सेट करके शेप कर लूँगी। देन इसमें जो पाउडर आता है उसे एंगल ब्रश की हेल्प से आईब्रो में जो गैप्स होते हैं उन्हें फिल कर लूँगी। अब मैं ये बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर लूँगी और अपनी फिंगर्स से अपने फेस पर लगाकर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। हम प्राइमर इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे फेस पर ओपन पोर्स होते हैं वो बंद हो जाएं और हमारा जो बेस है वो स्मूथ लगे। अब ये मैं नायका का स्किन शील्ड फाउंडेशन ले रही हूँ इन द शेड प्योर ऑलिव। इसे हमें थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है अगर नेचुरल लुक चाहिए तो। फिर अपनी फिंगर्स से इवनली अपने फेस और नेक पर इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। अब आपको अच्छा सा फाउंडेशन ब्रश लेना है और उसे सर्कुलर मोशन में अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। जितना आप ब्लेंडिंग को टाइम देंगे उतना ही आपका बेस फ्लॉलेस लगेगा। और हाँ, अपने नेक को मत भूलना। देन हम ये LA Girl का प्रो कंसीलर लेंगे। अब हम इसे अपनी अंडर आई में लगाएंगे। देन आईलिड्स, फोरहेड, नोज, चिन और अपर जॉ लाइन में अच्छे से लगाएंगे। अब ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और इसे अच्छे से गीला करके निचोड़ के फिर मैं इससे अपना कंसीलर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप जितना टाइम ब्लेंडिंग को देंगे उतना ही ज़्यादा सुंदर आपका बेस निकलेगा। फिर मैं ये MAC का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और इसे ब्यूटी ब्लेंडर में लेके अब इसमें से एक्स्ट्रा निकाल लेना है और फिर मैं इसे अपना कंसीलर सेट करूँगी। फिर इससे हमारे फेस पे ग्रीसीनेस नहीं लगेगी, एक मैट फिनिश आ जाएगी और बहुत ही सुंदर लगेगा। फिर अब हम लेंगे एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश। अब मैं ये बेका कॉस्मेटिक्स का फेस पैलेट ले रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी पैलेट ले सकते हैं। फिर मैं इसमें से ये ब्राउन शेड लूँगी। अब मैं पाउट बना के अपने चीक्स को कॉन्टोर करूँगी। जब हम पाउट बनाते हैं तो एक लाइन क्रिएट होती है, हमेशा हमें उससे ऊपर कॉन्टोर करना होता है ताकि एक शेडो क्रिएट हो। और फिर ये ही दूसरी साइड करूँगी। फिर उसके बाद मैं अपनी जॉ लाइन को, ताकि हमारी जो जॉ लाइन है, हमारी जो डबल चिन है वो कम दिखे। देन फोरहेड को एंड देन नोज को। देन मैं ये रेडिश पिंक कलर ले रही हूँ एज अ ब्लश। देन मैं स्माइल करते हुए इसे अपने गालों पे लगाऊंगी। आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है एक नेचुरल लुक देने के लिए। देन मैं ये स्मैश बॉक्स का आई पैलेट ले रही हूँ, आप अपनी चॉइस का कोई भी आई पैलेट ले सकते हैं। देन मैं ये पैक का 113 नंबर का ब्रश ले रही हूँ। देन मैं ये ऑरेंजिश ब्राउन कलर लूँगी और थोड़ा एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ कर दूँगी। फिर मैं इसको अपनी क्रीज में सर्कुलर मोशन में अच्छे से ब्लेंड करूँगी, अच्छे से।
इसको सर्कुलर मोशन में आगे पीछे हमें करना है, ऐसे बस सीधा सीधा ड्रैग नहीं करना है, सर्कुलर मोशन में करना है, राउंड राउंड। और फिर दूसरी आंख में देन मैं कम फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी, फिर ये ब्राउन शेड लेके इसे अपनी कॉर्नर पे ऐसे ब्लेंड करूंगी, कॉर्नर से लेके अपनी क्रीज तक जाना है आपको, और सर्कुलर मोशन में इसको ब्लेंड करना है अच्छे से ताकि एक शैडो क्रिएट हो। फिर वो पहला वाला ब्रश लेके इसके एजेस आपको अच्छे से ब्लेंड करने हैं ताकि वो हार्श लाइन ना रहे। देन मैं गोल्डन कलर लेके अपनी फिंगर से अच्छे से इसको अपनी आंखों में इनर कॉर्नर से लेके मिडिल तक अच्छे से ब्लेंड करूंगी हाथों से, पहले डिपॉजिट करूंगी और फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी। देन वो ब्राउन कलर लेके इसे अपनी आंखों के कॉर्नर्स में मैं ब्लेंड करूंगी ताकि वो जो गोल्डन कलर है वो ज्यादा हार्श ना लगे। देन मैं ये फेसेस कैनेडा का इंटेंस काजल लूंगी और इसे अपनी वाटर लाइन में लगाऊंगी, और हमें लगाते लगाते अपनी आंखें बंद करनी है ताकि ये हमारे लैश लाइन में भी लग जाए, उससे और इंटेंस आंखें लगती है, ज़्यादा अच्छी इफेक्ट आती है, ज़्यादा बड़ी आंखें लगती है। फिर मैं ये मेबेलिन का मस्कारा लूंगी और इसे अपनी लैशेस पे लगाऊंगी, ये हमारी आंखों को बड़ा दिखाती है और हमारी लैशेस को भी, और फिर अपनी लोअर लैशेस में लगाऊंगी। देन मैं अपनी फिंगर से उसी पैलेट में से एक हाइलाइटर लेके अपने चीक बोन्स पे लगाऊंगी और अच्छे से ब्लेंड करूंगी। फिर अपनी नोज पे, फोरहेड पे, चिन पे, लिप्स के थोड़ा ऊपर, एंड देन अपनी आंखों के इनर कॉर्नर्स में। और लास्ट में अपनी आईब्रो बोन पे। फिर मैं ये मेबेलिन की मैट लिपस्टिक लिप ग्रेडेशन की लगाऊंगी और मेरा शेड है मोव 1। एंड ये है मेरी फाइनल लुक।